अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिफ पठान अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लवबर्ड के सॉफ्ट फूड के ऊपर बात करेंगे और जो भाई पहली बार लवबर्ड रखना चाह रहे हैं या रखे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से सॉफ्ट फूड देना चाहिए लवबर्ड को और दिन में कितनी बार देना चाहिए। तो दोस्तों, शिमला मिर्च जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लवबर्ड्स के लिए। उसको देने से पहले आप इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कर लें, और अगर आप बजरी को दे रहे हैं तो बारीक पीस में क्रश करके दें। बजरी को भी आप ये दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये एक तरीके से जो पेट में जो वॉर्म्स होते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, वॉर्म्स खत्म करता है ये। तो दोस्तों, मैं इसके साथ सॉफ्ट फूड के अंदर राइस दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये राइस है, राइस मैंने बॉयल करा है, सर्दी का मौसम है तो मैंने इसमें एक लौंग डालकर इसको, ये देख रहे हैं ये लौंग है, ये इसको मैंने डालकर इसको बॉयल किया है ताकि इसकी ठंडक जो तासीर है वो ख़त्म हो जाए। और लौंग आपको निकाल के फेंक देनी है बॉयल करने के बाद, जैसे मैंने अभी फेंकी है। तो इसमें ये राइस है, राइस के साथ मैं ये मिक्स कर रहा हूँ शिमला मिर्च को, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरीके से इसको मिक्स करके दे सकते हैं अपने लवबर्ड्स को और अपने बजीज को। बजीज को जब दें तो उसके छोटे छोटे पीस में क्रश करिएगा उसको, डायरेक्टली ऐसे ना दें। तो आ चुके हैं दोस्तों हम कॉलोनी के अंदर, तो अपने लवबर्ड्स को ये ऑफर करेंगे हम। दोस्तों ये देखते रहिएगा कि कितनी जल्दी इस पर ये अटैक करेंगे। ये लवबर्ड्स इसको बहुत शौक से खाते हैं और साथ में बजीज भी इसको शौक से खाते हैं। आपको मैंने बताया था कि मैंने इसमें थोड़े से बजीज रोक रखे हैं जब तक मेरी नई कॉलोनी तैयार नहीं हो रही है, तो इसमें थोड़े से बजीज पड़े हुए हैं, बाकी मैंने सब सेल आउट कर दिए थे बजीज। और ये लवबर्ड्स वगैरह मैं लेकर आया था, तो माशाल्लाह ये सब ब्रीडर पेयर्स हैं एक दो को छोड़ के। तो देखें आप, खाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी एक लिस्ट बता दे रहा हूँ कि आपको कब और क्या कैसे देना है। जैसे मैंने आपको बताया था, चार पीस लुटिनो के मेरे पास पुराने थे जो कि मैं दो जगह से लेकर आया था, एक एक पेयर करके पट्टे थे वो मेरे यहाँ अडल्ट हो गए, और बाद में मैं काफ़ी पीस एक साहब से लाया था, उनके सेटअप वो खाली कर रहे थे तो मैं उनके सेटअप से मैं ब्रीडर पेयर्स उठा लाया था। कुछ पट्टे भी लेकर आया था जो पट्टे मैंने अपने कज़िन को दे दिए थे, और उसमें कुछ ब्रीडर पेयर भी मैंने उनको दिए थे, तो बाकी के मैंने अपने पास रोक लिए थे। तो ये सारे के सारे वही हैं और इनको आए हुए अभी 15-16 दिन हुए हैं मेरे पास, और किसी किसी ने ब्रीडिंग शुरू कर दी है और बाकी नेस्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिसके यहाँ से मैं लेकर आया था उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो दो टाइम इनको सॉफ्ट फूड देते थे। सुबह का टाइम तो वो नाच देते थे भिगा हुआ, और बाकी पूरे दिन तो ये सीड मिल्स रखा रहता था, और इसके अलावा वो शाम को हर हाल में कोई ना कोई फ्रूट या कोई ना कोई वेजिटेबल दे दिया करते थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप अगर आप दो टाइम इनको देते हैं तो चिक्स वगैरह पर असर नहीं पड़ता, तो वो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, मेरे यहाँ किसी तरीके का कोई भी मोशन नहीं लगता था किसी भी चिक्स को दो टाइम सॉफ्ट फूड देने के बाद भी। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, हर कोई दो टाइम सॉफ्ट फूड नहीं देता, एक ही टाइम देता है। तो वो दो टाइम देते थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लवबर्ड इतना मजबूत परिंदा है, इसका हाजमा बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बहुत बढ़िया है, ये दो टाइम भी सॉफ्ट फूड को बहुत अच्छी तरह हजम करता है और दिन में सीड मिल्क खा लेता है, तो वो इसी तरीके से दे दिया करते थे। लेकिन मैं दो टाइम सॉफ्ट फूड नहीं दूंगा, इसकी वजह यह है कि दो टाइम अगर मैंने सॉफ्ट फूड इनको देना शुरू करा तो इनको फैट लग जाएगा, चर्बी लग जाएगी मादी को, जिसकी वजह से ये एग वगैरह ले नहीं करेंगे और ये सारे पेयर ख़राब हो जाएंगे। तो इनकी जो उम्र है अभी एक एक साल की उम्र है, जिनसे मैं लेकर आया था वो पट्टे लेकर आए थे दो दो महीने के, तो अब तक ये एक एक साल के हो चुके हैं। पिछले सीज़न में वो लेकर आए थे, तो अभी इन पर कोई असर नहीं पड़ा है, चर्बी में कोई नहीं आया है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू उन्हीं की तरह दो टाइम सॉफ्ट फूड देता रहूँगा तो यकीनन ये एक साल के अंदर बेकार हो जाएंगे, अगले साल से ये ब्रीड करना ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं इनको दो टाइम सॉफ्ट फूड नहीं दूंगा, एक टाइम दूंगा बस। तो ये गलती आप ना करें, लवबर्ड भले ही आपका दो टाइम सॉफ्ट फूड खा ले लेकिन आप दो टाइम मत खिलाइएगा, चर्बी में आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा आपका पेयर। तो एक ही टाइम सॉफ्ट फूड दिएगा। तो सॉफ्ट फूड देना किस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो नए पालने वाले हैं, जो नए शौकीन हैं उन भाइयों के लिए ये खास तौर से वीडियो बना रहा हूँ, और जो पुराने शौकीन हैं वो तो शायद मुझसे ज़्यादा जानते हों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉफ्ट फूड दें जैसे मैं दे रहा हूँ पिछले 15 दिन से। भाई पहले तो ये याद रखें कि कोई भी नाज या कोई भी चीज़ दी जाती है, जैसे कि गेहूं है या जौ है या फिर चना है या फिर मूंग की हरी वाली दाल है, कोई भी चीज़ होती है वो पहले 24 घंटे तक भिगोई जाती है पानी के अंदर रख के, तब जाके वो फूलती है, इनके खाने लायक होती है। तो आप सबसे पहले तो ये करें, अगर आप शाम को सॉफ्ट फूड देते हैं तो शाम के टाइम भिगोएं अगले दिन की शाम तक के लिए, और अगर आप मॉर्निंग में देते हैं
तो आप आज मॉर्निंग में भिगोएं तो अगले दिन तक 24 घंटे में वो पूरी तरीके से फूल जाएगा वो अनाज। तो आप इस तरीके से दें उसको, तो आप एक दिन तो आप वो गेहूँ दे दें, ठीक है, गेहूँ भिगो के दे दें। उसके अगले दिन आप चना भिगो के दे दें, जो काला वाला चना आता है बहुत फायदेमंद है इनके लिए। और उससे अगले दिन आप हरी वाली मूंग की दाल भिगो के दे दें। उससे अगले दिन आप जौ दे दें भिगो कर। और उससे अगले दिन आप कोई भी एप्पल काट के दे दें उसको अच्छी तरीके से छोटे पीस में। उससे अगले दिन आप बॉयल राइस दे दें। और सर्दी का टाइम है तो एक लौंग डाल दिया करें आप, बजरी को या फिंच को, किसी को भी आप देते हो तो एक छोटी सी लौंग डाल दें सिर्फ एक। और अगर आपके परिंदे कम हैं तो लौंग का आधा, यानी कि आधी लौंग तोड़ कर डालें। इससे ये होगा जो तासीर होती है मैंने बताया था वो गर्म हो जाती है चावल की, तो फ़ायदा करते हैं वो, नुकसान नहीं करते हैं इनको। और इसके अलावा आप इनको वेजिटेबल में लौकी दे सकते हैं, तुरई दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, शिमला मिर्च दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि शिमला मिर्च को सिंगल नहीं देना है, किसी न किसी सॉफ्ट फूड के साथ मिला के दे दें कभी भी। और ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में एक बार शिमला मिर्च देनी है, जब भी सीज़न आए तो एक दो बार तीन बार खिला दें कभी भी, कुछ कुछ दिन छोड़कर। तो इस तरीके से चलता रहता है इनका। और इनको नीम के पत्ते बहुत पसंद है दोस्तों, आप चाहें तो एक नीम की टहनी तोड़ के इसमें डाल दिया करें दूसरे तीसरे दिन, सॉफ्ट फूड के अलावा भी शाम वाम के टाइम में, चार पाँच दिन के गैप के बाद या छः दिन के गैप के बाद शाम वाम में डाल दिया करें। इससे ये होगा, एक तो वो नेस्टिंग करते हैं, उससे बहुत अच्छी नेस्टिंग करते हैं वो, उसकी जो टिनके होते हैं टहनी में तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। और पत्ते जो होते हैं वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी डिवॉर्मिंग होती है उससे, और काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मल्टीविटामिन में मैं आपको बताऊं, उसमें वाइमरल दिएगा, वाइमरल आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो। वो वीकली में, वीक में एक टाइम देनी है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ये कह रहे हैं कि आज सॉफ्ट फूड दिया है या आज कुछ और दिया है तो वाइमरल ना दें, हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।